नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इन दिनों शिक्षा विभाग बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी सख्त है। देश से लेकर राज्य तक के सभी स्कूलों में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता में पढ़ाई मिल सके, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर अच्छे खासे बजट और नए नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत नया एजुकेशन पॉलिसी भी लाई जा रही। इस नए एजुकेशन पॉलिसी में आधुनिक जरूरत को देखते हुए ही नए नियम लाए गए हैं। इसके तहत बच्चों की पढ़ाई में रुचि तो बढ़ेगी ही, साथ ही आज के समय में कैसे सर्वाइव करें इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। खेल से लेकर शिक्षा, हर चीज पर अच्छी गुणवत्ता में ध्यान दिए जाएंगे। इस नए एजुकेशन पॉलिसी को सरकार भी एक एक करके लागू कर रही है। इस नए शिक्षा पॉलिसी के तहत पूरे साल में 220 दिन स्कूल खोलने अनिवार्य होंगे। स्कूलों में सभी बच्चों के पढ़ाई के समय का भी निर्धारण किया गया है। इस समय सीमा के तहत जो प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल होंगे, उन्हें हर रोज बच्चों को 7 घंटे और 15 मिनट तक समय देना होगा। वहीं हाई स्कूल के बच्चों को 8 घंटे और 35 मिनट तक पढ़ाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिए जाने की भी तैयारी है। दरअसल सभी जिले के डाइट, पीटीई, सीटीई समेत सभी ट्रेनिंग संस्थानों में नए फ्रेमवर्क की जानकारी भी दिए जाएंगे। वहीं शिक्षकों के माध्यम से यह जानकारी बच्चों के माता पिता तक भी पहुंचाई जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो उसके अनुसार 20 दिन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन के लिए होंगे। प्राइमरी से लेकर प्लस टू लेवल के स्कूलों में 2 क्लास के बीच स्टूडेंट्स को तैयार होने के लिए कम से कम 5 मिनट तक का समय दिया जाएगा। ये सभी बातें सुचारू तरीके से लागू हो सके, इसके लिए डीएम और डीडीसी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने लेटर भी भेजा है। इस लेटर में कहा गया है कि नए फ्रेमवर्क के अनुसार स्कूल के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अन्य दिशा निर्देश भी शामिल हैं, जिसमें एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने आदि की चर्चा भी की गई है। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि अब 10% से अधिक शिक्षकों की छुट्टी किसी भी स्कूल में अप्रूव नहीं होगी। यानी किसी भी स्कूल में यदि 10 शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो इस स्कूल से महज एक ही शिक्षक को छुट्टी मिल पाएगी और शिक्षा विभाग के इस आदेश का कड़ाई से पालन करना सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग यह निर्णय शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम को लेकर भी कुछ गाइडलाइन सामने आए हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए हैं, जहाँ यह बात सामने आई है कि बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद कॉपी को स्कूल में ही चेक किए जाएंगे। यदि कॉपी स्कूल में चेक होते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत होगी। जब प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाते हैं तब सभी सेकेंडरी और प्लस टू स्कूल के हेडमास्टरों की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में डीईओ ने जरूरी निर्देश देंगे ताकि कॉपी की जांच सही तरीके से समय पर हो सके। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार की यह पहल आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।